एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं फ्लावर और वटाने की मस्त सब्जी। घर की सब्जी आप अगर कुछ अलग तरीके से ट्राई करना चाहते हैं तो ये ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। आप रोटी या चावल या किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक तो पहले पहुंच जाए। चलिए देख लेते हैं ये सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ के फ्लावर को बड़े हिस्सों में काट लिया है, क्योंकि हमें एकदम फ्लावर को गलाना नहीं है। चार आलू लिया है, जो एक एक आलू को चार टुकड़ा करके मैंने काट के लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए एक पाव के करीब वटाना, आधा शिमला मिर्च मीडियम साइज़ का, और दो टमाटर, दो कांदा बारीक काटा है, और गार्निश करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे धनिया पत्ता। आप इसके अलावा कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मसाले में मैंने लिए दो तेज पत्ता, तीन चार दालचीनी, थोड़ा सा जावित्री, और इसमें मैंने ढाई चम्मच के करीब अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना के लिया है। सबसे पहले हम आलू को कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के लाल लाल करके फ्राई करके उठा लेंगे। इसके बाद में फ्लावर को भी थोड़ा सा हल्दी डाल के लाल लाल करके फ्राई करके उठा लेंगे, इससे सब्जी का टेस्ट और भी अच्छा आता है। उसके बाद फिर से उसी कढ़ाई में दो चम्मच के करीब तेल डालेंगे, उसमें डालेंगे वो जो मसाला लिया था, तेज पत्ता, दालचीनी, जावित्री, ये सबको डाल के थोड़ा सा फ्राई करके उसमें दो चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे। चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा फ्राई होने के बाद उसमें कटे हुए कांदे डालेंगे और कैप्सिकम को डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जब तक ना नरम हो। थोड़ा सा नरम होने के बाद उसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर और वटाना, ये सब चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा नरम कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ढक के नरम करने के लिए रखा था, तो जल्दी नरम हो गया है। एक करके डाल देंगे डेढ़ चम्मच नमक, एक चम्मच शक्कर और ढाई चम्मच अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। इसी में हम डाल देंगे दो चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि पहले भी हल्दी पाउडर डाला है, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, मिर्ची पाउडर अपने हिसाब से डालें, और ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स होने के लिए थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। ध्यान रखिए ये जो मसाला है ना, इसको बहुत अच्छे से पकाना है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के ढक के पका लेंगे जब तक ना ये अच्छे से तेल छूटे। ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है, साइड से पूरा तेल भी छूटा है। अब इसमें फ्लावर और आलू जो मैंने पहले ही फ्राई करके रखा था उसको डाल देंगे और बहुत अच्छे से पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ना ये पूरा आधा नरम हो जाए। चलिए इसको पका लेते हैं, बहुत अच्छे से ढक के पकाएंगे, बीच बीच में चेक करेंगे ताकि नीचे ना पकड़ ले। नीचे पकड़ रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, पानी डाल के पका रहे। देखिए हमारा सब्जी ऑलमोस्ट नरम हो चुका है, लगभग 50% के ऊपर नरम हो चुका है। तो इसमें हम पानी डालेंगे, मैंने यहाँ पे डेढ़ ग्लास के करीब पानी डाला है, आप अपने हिसाब से डालें ताकि नरम हो सके और एकदम गले भी। फ्लावर के जो नीचे वाले पार्ट है जो कड़क रह जाते हैं उसको वो सब चीज़ों को नीचे की साइड में करके पानी में डुबो के ढक्कन ढक के 20 मिनट से 25 मिनट तक छोड़ देंगे। ओके, फ्लेम को स्लो टू मीडियम ही रखना है, बहुत फास्ट भी नहीं तो पानी सूख जाएगा, इसीलिए मैं स्लो टू मीडियम पर रख के इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी। 20 मिनट हो चुका है, हमारा सब्जी ऑलमोस्ट पका है, लेकिन थोड़ा सा पानी है, इसलिए इसमें धनिया पत्ता जो गार्निश करने के लिए रखा था उसको डाल के और 5 मिनट के करीब मैं इसको ढक के छोड़ दूंगी। पहले भी बोला था पानी अगर कम करना है तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखिए, तो इस अभी मैं फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके पानी को थोड़ा सा सोखने के लिए और इसको ग्रेवी को अच्छे से होने के लिए फास्ट करके थोड़ा सा रखूँगी। मैं स्पेशली यही करती हूँ, जब भी मुझे पानी कम करना रहता है तब मैं थोड़ा सा फ्लेम को कर देती हूँ हाई करके, थोड़ा सा पानी कम करके
फिर उसको पका लेती हूँ। अब जब नरम करने का बात आता है तभी फ्लेम को स्लो रखती हूँ ताकि टेस्ट भी आए अच्छे से नरम भी हो जाए। ये हमारा सब्जी सर्व करने के लिए पूरा तैयार है, बन चुका है। अब इसको आप गरम चावल के साथ या रोटी के साथ किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।